Hello friends, my name is Shivangi and today I am going to teach you about the factorial. And I will teach you how to find the factorial of a number by using a Python program. And I will tell you two methods by which you can find the factorial. So first method is iteration method. That is you have to use any loop iteration method. And second will be recursive method. Recursive method is very easy, but iteration method can help you to find logic and understand that in very good manner. So I will firstly teach about the in iteration method, and second by the help of recursive method. So we are going to work on that. We are going to learn about the iteration method. In iteration method, we have to do one thing, that in iteration we have to use a single for loop for that. Suppose a number is equal to 7, then factorial of 7 is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. That is the factorial of 7. So in program we will take a variable where that is 7, and we will check that number is less than or greater than 0 or equal to 0, so that we can firstly define that we can find a factorial or not. So if number is less than 0, then print negative, you cannot find. Else if number is equal to 0, then print factorial is equal to factorial. Else if both the conditions are not satisfying, then we have to use a for loop. For I in range 1 comma number plus 1. Here we using number plus 1 because we know that number is 7, and this range will start from 1 to num minus 1. Matlab ये number minus 1 तक ही चलेगा, तो number minus 1. तो हमको नंबर तक चाहिए, तो नंबर प्लस वन करना पड़ेगा, तभी ये नंबर 7 भी लेगा. तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू आई करेंगे. फैक्टोरियल फर्स्ट टाइम फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, कभी भी कोई भी नंबर फैक्टोरियल अभी हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, शुरू में एक फैक्टोरियल नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे जिसकी वैल्यू 1 दे देंगे. हम 1 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 0 देंगे तो 0 इंटू आई कुछ भी करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए हम 1 लेंगे. तो फैक्टोरियल जो है फैक्टोरियल इंटू आई करेंगे. ये रेंज तब तक चलेगा जब तक हम फैक्टोरियल निकालेंगे, और फिर इसके बाद से हम क्या करेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फैक्टोरियल, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ नंबर फैक्टोरियल ऑफ नंबर कॉमा फैक्टर. तो ये हमारा फैक्टोरियल निकल गया, बहुत ही इजी था. ये तो हमारा हो गया कि हमने रिकर्सन मेथड से फैक्टोरियल निकाल लिया. दूसरा मेथड हमारा होता है रिकर्सन मेथड. रिकर्सन मेथड में सिंपली क्या करना है, आपको एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है, दैट इज डेफ फैक्टोरियल. यहाँ पे हम एक नंबर पास कर देंगे इसका निकालना. तो पहले हम चेक करते हैं इफ एन इक्वल टू 1 और एन इक्वल टू 0, तो क्या करते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं 1. एल्स क्या करते हैं, रिटर्न एन इंटू फैक्ट एन माइनस 1, ये रिटर्न कर देंगे. तो ये हमारा फैक्टोरियल
फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 पे ये फॉल्स हो जाएगा, तो उसमें जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4। फिर खुद को ही ये कॉल कर रहा है, रिकर्सन में होता है फंक्शन विज कॉल इट सेल्फ, दैट इज रिकर्सन फंक्शन, देन फैक्ट एन माइनस वन, ये चलता रहेगा जब तक ये एन की वैल्यू जब ये 1 हो जाएगी तब ये बैक टू मेन फंक्शन, तो ये हमारा फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। ये दो मेथड था, होप यू अंडरस्टैंड एंड बोथ आर वेरी इजी। थैंक यू, होप यू लाइक दैट।